देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा शनिवार को गोरखपुर पहुंचा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महानगर के सिविल लाइन स्थित एक क्लब में स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा क्लब से निकलकर हरिओम तिराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, शास्त्री चौराहा, आजाद चौक, अलहादपुर, नार्मल, हांसूपुर होते हुए राजघाट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना कर स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थि को राप्ती गंगा में विसर्जित किया। यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी रही। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राह चलते हुए लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा को देखने के लिए जगह जगह पर लोगों की भीड़ उमड़ी दिखाई दी। कहीं लोग अपने दरवाजे पर तो कहीं लोग अपने घर की छतों पर से यात्रा को देखने के लिए टकटकी लगाए हुए थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल तेरा नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। Yeah.
बीच में नहीं भैया, और उधर कर लीजिए, कॉर्नर पे कर लीजिए भैया। सर यहाँ चार महाराज जी, खुद ही कह रहे हैं गहराई में खींच को भैया, थोड़ा गहराई में खींच को भैया, बस तब भी हो जाए, नजदीक मत आना बोला है क्या भैया, वहाँ वहाँ ले चलो उनके करने को। भैया अपनी तरफ खींच लो, गहराई में खींच लिए बस भैया, हम लोग पूरी नौकरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी नहीं करना भाई, रुकना भाई उससे आगे नहीं। अरे आगे नहीं भाई, भाई आगे नहीं, अरे 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 भाई पीछे आ जाओ, अरे पीछे आओ भाई आप, अरे